टाइम इन विच टैंक विल गेट एम्प्टी। क्वेश्चन है कि आपके पास एक टैंक है, टैंक में हाइट एच है पानी की, और यहाँ होल है ऑफ एरिया स्मॉल ए और वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स क्या है, रूट टू जी एच। अब यहां से पानी बाहर निकल रहा है पर सेकेंड, यहां से नीचे आ रहा है पर सेकेंड, तो जितना लिक्विड बाहर निकल रहा है पर सेकेंड उतना लिक्विड नीचे आएगा पर सेकेंड, ये ट्रू है। एक सेकेंड में जितना पानी नीचे आया उतना बाहर खिसक जाएगा, तो वॉल्यूम कमिंग डाउन पर सेकेंड, वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकेंड रिमेन्स सेम। वॉल्यूम पर सेकेंड जो बाहर निकल रहा है उसकी वैल्यू क्या है, एरिया इंटू वेलोसिटी। और जो नीचे आ रहा है, नीचे आने में कैसे नीचे आ रहा है, लिक्विड नीचे नीचे यहां से यहां यहां से, एरिया बहुत बड़ा है टैंक का, धीरे धीरे नीचे आएगा, तो एच हाइट एकदम कवर नहीं करेगा, डी एच हाइट कवर करेगा इन टाइम डी टी। तो नीचे आने की वेलोसिटी क्या है, डी एच बाई डी टी, और एरिया क्या है ए। तो नीचे आने का वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड क्या, एरिया इंटू वेलोसिटी, लेकिन नेगेटिव क्यों, क्योंकि रेट डिक्रीज हो रहा है। जैसे जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो डीवी बाई डी टी नेगेटिव, रिटार्डेशन बोलते हैं उसे, ऐसे डी एच बाई डी टी डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, आपने कुछ नहीं करना है, आपको आपको फॉर्मूला याद करवाऊंगा इसका, सिर्फ बता रहा हूँ कि कल को नॉन मेडिकल में, स्पेशली मेडिकल में तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, नॉन मेडिकल में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो एटलीस्ट आप हैंडल कर सकें, डी एच बाई डी टी है कि आपको पता लगता है। जैसे मेन्स वालों ने पूछ लिया, अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन, उन्होंने डी एच बाई डी टी भी क्वेश्चन पूछ लिया, यही क्वेश्चन पूछा उन्होंने, इंटीग्रेशन नहीं करवाया, उन्होंने पूछा कि एच ले, उन्होंने पूछा कि टू ले लो, जी ले लो, ए ले लो, डी एच बाई नहीं, एच दे दिया उन्होंने, जी दे दिया, टू दे दिया, ए दे दिया, ए दे दिया, कह रहा है नीचे आने की वेलोसिटी बताओ, तो ये क्वेश्चन से आंसर आ जाता था। तो देखो पकड़ लिया ना कॉन्सेप्ट वहां से बेसिक से, इसको टैंक को खाली करने के लिए एच वाली टर्म्स एक तरफ, टाइम वाली टर्म एक तरफ, टैंक में हाइट कितनी थी वाटर की, एच से जीरो हो गई, जब हाइट एच थी तो टाइम जीरो था, टी टाइम में टैंक खाली हो गया, करना नहीं है आपने, अगर मैं इंटीग्रेट करूं आपने नहीं करना, इतने टाइम में टैंक खाली होगा, मेरा कैपिटल ए इज एरिया ऑफ टैंक, स्मॉल ए एरिया ऑफ होल, और एच पानी की हाइट है। नोट करें फॉर्मूला बुकलेट में, टाइम टू एम्प्टी द टैंक, टाइम टू एम्प्टी द टैंक का फॉर्मूला, स्मॉल टी का ये फॉर्मूला नोट कर लें प्लीज, क्योंकि इंटीग्रेशन थोड़ा करेंगे वहां बैठ के, बस सीधा ही करेंगे रिजल्ट, तो फॉर्मूला बुकलेट में नोट कर लें इसे। की है, रेट का मतलब वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, एरिया होल का, छोटे होल का एरिया है, छोटे होल का ए और बड़े टैंक का कैपिटल ए। क्वेश्चन कैसा आएगा सुन लो, ये क्वेश्चन नहीं है भाई, ये थ्योरी है। क्वेश्चन ये आएगा, एक टैंक में लिक्विड 15 मीटर का है और 3 मिनट में खाली होता है, अगर हाइट 25 मीटर है कितने समय में खाली होगा, एरिया ऑफ टैंक और होल तो चेंज किया ही नहीं, तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ हाइट, जब हाइट 15 है तो टाइम 3 है, जब हाइट 25 है टाइम निकालना है, सॉल्व करके आंसर। तो ये वेरिएशन प्रोपोर्शनैलिटी में पूछा जाता है हमेशा क्वेश्चन। जैसे सेम क्वेश्चन है, अगर एरिया होल का इतना है और कंटेनर में लिक्विड है हाइट एच तक का, अगर लिक्विड और टी टाइम में लिक्विड खाली होता है, अगर मैं लिक्विड को भर दूं 4H तो कितने टाइम में खाली होगा, सेम रिजल्ट है, टाइम और हाइट
इंडर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब हाइट एच है तो टाइम टी है, जब हाइट 4h है टाइम टी डैश है। सॉल्व करके आंसर, तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि टैंक खाली करने की प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन रहेगा इसमें।